उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे। मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगा था। इसको लेकर शासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। अब इसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके खुलासे ने सबकी बोलती बंद कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर हुए बड़े खुलासे की। कैसे हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत? जांच कमेटी के सामने नहीं आया परिवार। अब रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। परिजनों ने उठाए थे मौत पर सवाल। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, इसको लेकर परिवार के लोग कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब इसे लेकर सारी स्थितियां साफ हो गई हैं। मुख्तार की मौत को लेकर जिलाधिकारी ने 5 महीने में शासन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी, उसे खाने में जहर नहीं दिया गया था। जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्तार के बैरक में जो चना, गुड़ और नमक मिला है, उसमें जहर नहीं पाया गया है। उसकी मौत हार्ट अटैक आने से ही हुई है, उसे किसी तरह का जहर नहीं दिया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब माफिया की मौत को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। परिजनों ने जेल में उसे जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद था। 28 मार्च की शाम को चक्कर आने के बाद उसे रानी दुर्गावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और भाई सपा सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार को जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद इस मामले पर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। सपा बसपा ने मुख्तार की मौत को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए थे। हालांकि डॉक्टरों ने मुख्तार की मौत की वजह हार्ट अटैक ही बताया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि थी, लेकिन मुख्तार का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मुख्तार के बेटे उमर ने पंचनामा में इस मौत को स्वाभाविक नहीं बताया, जिसके बाद इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे। इस मामले में एडीएम ने 10 दिन पहले जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया कि मुख्तार के शरीर में जहर के अंश नहीं मिले हैं। वह मुख्तार की बैरक में जो खाने का सामान मिला, उसमें भी जहर नहीं मिला है। इस जांच में जेल के डॉक्टरों, अफसरों, सुरक्षाकर्मियों समेत कई कैदियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। 5 महीने बाद भी खाली है अंसारी की बैरक, फिर भी क्यों होती है 6 कैमरों से निगरानी? उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत को 5 महीने से ज्यादा हो गए। मुख्तार बांदा जेल के जिस तन्हाई बैरक में कैद था, वहां अब भी किसी कैदी को नहीं लाया गया है। बैरक अभी भी सील है, मगर उसकी सुरक्षा व्यवस्था आज भी पहले के जैसी ही है। यानी बैरक की निगरानी 6 सीसीटीवी कैमरों से की जाती है। बाहर एक सुरक्षा गार्ड को तैनात किया जाता है। 24/7 इस बैरक पर नजर रखी जाती है। जेलर ने इसके पीछे की वजह भी बता दी है। बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को 7 अप्रैल 2021 को बांदा लाया गया था। इसके बाद बांदा मंडल कारागार की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। हाई सिक्योरिटी जेल की चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जिस बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया, उसकी निगरानी के लिए अलग से 6 कैमरे लगाए गए। बैरक में लगे कैमरे सीधे कमांड ऑफिस लखनऊ से कनेक्ट किए गए थे। 28 मार्च की शाम को दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मौत पर कई तरह के सवाल उठे तो जुडिशियल और मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई। मुख्तार का परिवार इसे हत्या बता रहा। उनका कहना है कि मुख्तार की मौत जेल के अंदर धीमा जहर देने से हुई है। जो बार बार कोर्ट ने बस यही अपील की कि मामले की फिर से जांच हो, क्योंकि मुख्तार की ये मौत कोई साधारण मौत नहीं है। मुख्तार की मौत को 5 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक ये बैरक सील है। कोई भी बंदी यहां नहीं लाया गया। मुख्तार अंसारी मामले में मजिस्ट्रियल जांच में मौत होने की वजह हार्ट अटैक अब बता दिया गया है। प्रशासन ने यह रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इससे पहले पोस्टमार्टम और विसरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी बैरक सील है। उसकी निगरानी के लिए कैमरे अभी भी चालू है और जेल अधिकारी लगातार बैरक पर नजर बनाए हुए हैं। वह इस मामले में बांदा मंडल कारागार के जेलर ने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत की जुडिशियल और मजिस्ट्रेटी जांच के लिए साक्ष्य संकलन के बाद तन्हाई बैरक को सील कराया गया था। तब से बैरक सील है, अब तक बैरक को खोलने के आदेश नहीं आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले जैसी ही है। 6 सीसीटीवी कैमरों से बैरक पर नजर रखी जाती है। जब तक इसे खोलने के आदेश नहीं मिलते, तब तक इसी तरह यहां निगरानी रखी जाएगी, ना ही किसी को तब तक इसमें लाया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब माफिया मुख्तार अंसारी का खौफ था,
कि सरकार तक उसके सामने चुप रहती थी और उसके काफिलों को रोकने का साहस किसी में नहीं था। खुली जीप में चलना, हथियारों को लहराना और दंगों के बाद धमकाना मुख्तार अंसारी अपनी शान समझता था। तब एक सन्यासी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उसे चुनौती दी थी। वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ थे। एक समय था जब मुख्तार के काफिले में 786 नंबर की 20 से अधिक गाड़ियां होती थी और मऊ दंगों के प्रत्यक्षदर्शी आज भी याद करते हैं कि माफिया ने कैसे हथियार लहराए थे। मुख्तार अंसारी जब चलता तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिखता था। लोग कारोबारी और राजनेता तक उससे कांपते थे और उसके सामने नहीं जाते। सरकार भी चुप रहती थी। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ सहित कई जिलों में मुख्तार का आतंक था। उस समय पूरे प्रदेश में केवल एकमात्र योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने उस समय सांसद होते हुए इस माफिया के साम्राज्य में चुनौती दी थी। मुख्तार को खुली चुनौती देते हुए 2005 में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, मैं मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाकर रहूंगा। मऊ में मुख्तार अंसारी हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। योगी जब गोरखनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले थे, तब किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 के करीब हो गया। योगी आदित्यनाथ मऊ की तरफ बढ़े तो उनको गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर दोरी घाट में ही रोक दिया गया था। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा। योगी आदित्यनाथ तय तारीख के अनुसार 7 सितंबर 2008 को डीवी डिग्री कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किए थे। इसमें मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ ही थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से योगी का काफिला निकला जो आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते 200 से अधिक वाहनों में तब्दील हो गया। योगी आदित्यनाथ के काफिले में 7वें नंबर की लाल एक्सक्यूवी में बैठे थे, तभी एक पत्थर उनकी गाड़ी पर आकर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। उस वक्त योगी ने संकेत दिया कि हमला मुख्तार अंसारी ने ही करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन थी। फिर एक समय ऐसा आया जब सीएम योगी का नाम सुनकर ही ये माफिया मुख्तार अंसारी कांपने लगा। अंसारी ने खड़ा किया था आतंक का साम्राज्य। एक समय मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। कहा जाता था कि अंसारी का यूपी के मऊ और गाजीपुर में इतना आतंक था कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। इसी के दम पर अंसारी ने अपना करोड़ों का काला साम्राज्य खड़ा किया। 2014 में लोकसभा चुनाव में दे हुए अपने हलफनामे में अंसारी ने बताया था कि उसके पास करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास कई बेनामी संपत्तियां जो कि गलत तरीके से अर्जित की है, जिसे लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार बड़ी कार्रवाई करती रही। मुख्तार अंसारी के आतंक के खिलाफ लगातार यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अंसारी और उससे जुड़े लोगों की अब तक करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और उसके 2100 करोड़ रुपए से अधिक की आय के अवैध कारोबार को बंद किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार आपराधिक कार्य में लिप्त है। भाई से लेकर बच्चों और पत्नी भी आपराधिक साजिशों में शामिल रहे। अकेले मुख्तार पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या से लेकर फिरौती तक के मामले थे। इसमें से उससे कई मामले में सजा हो चुकी थी और इन्हीं में से एक मामले में वो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। वह उसके भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगतुल्ला अंसारी पर 3 मामले, पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मामले और बड़े बेटे अंसारी पर 8 और छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 मामले दर्ज है। इसी जमाने में आतंक फैलाने वाले माफिया का सीएम योगी ने ऐसा इलाज किया कि राज्य की जनता भी योगी की अब जय जयकार करती है। पर्दाफाश में फिलहाल का इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूँ। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूँ। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीम उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।